रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मैदान घड़ी स्थित शिव मंदिर योग साधना केंद्र। हमारे साथ हैं मंदिर के पीठाधीश आचार्य पंकज जी। पंकज जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि धार्मिक दृष्टि से मिट्टी के दीपक क्या महत्व है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते तम सोमा ज्योतिर्गमय। ये जो मैंने अभी पहले श्लोक बोला और बाद में जो मैंने ये वेद की उक्ति बोली, इसमें दीप के महात्म का पता लगता है कि क्या है। और जब हम दीपोत्सव कोई मनाते हैं या दीपावली जो भी आने वाली है, इसका भी जब हम हमारे मस्तिष्क में जब इसकी कल्पना होती है तो उसमें क्या आता है? दीपक। कोई मोमबत्ती नहीं, कोई किसी प्रकार के जो है आधुनिक जो है बल्ब नहीं, कोई एलईडी नहीं, कुछ नहीं, दीपक। दीपक स्वयं में ही जो है कल्याण का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। परंपरागत दिए जो हैं, जो सरसों के तेल में जो जलाए जाते हैं, तो उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े जो है स्वयं ही उसमें जो है भस्मीभूत हो जाते हैं और मनुष्य जो है स्वस्थ रह पाता है। तो मेरी दृष्टि में जो है मिट्टी के दिए सभी व्यक्ति जो है अपने घर लेकर के आए दीपावली के अवसर पर, और उसमें रुई की बत्ती लगा करके सरसों तेल और अगर हो सके तो देसी घी, उसका जो है दीपक जलाएं। और जब बहुत से संख्या में जब दीप प्रज्वलित होता है तो घी जो है सबके लिए सुलभ नहीं होता, तो सरसों तेल में जो है दिए जलाएं, वो जो है पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक है, आर्थिक रूप से भी ठीक है, हर तरह से ठीक है। मैं यही कहूँगा इस विषय पर। कई और विषय जो अभी आचार्य पंकज जी ने बताए, उन सभी की दृष्टि से जो मिट्टी का दीपक है वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। कैमरा मैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, आईएनएस।